वन टू वन ऊपर हे गाइस वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज का वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आज कृषा का वैक्सीनेशन डे है। तो आज के वीडियो में मैं आप लोगों को वैक्सीनेशन डे में हम लोग क्या क्या करते हैं, कृषा का क्या रिएक्शन है वैक्सीनेशन को लेके, और मैं कैसे कृषा का केयर करती हूँ वैक्सीनेशन डे पर, और कृषा का जो माइलस्टोन है एंड कुछ मतलब एक फूड का रेसिपी, ये सारा कुछ आज मैं शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है और एंड तक ज़रूर देखिएगा, ताकि ये जो वीडियो है ना, अगर आपका भी छोटा सा बेबी है तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अभी देखिए सुबह उठ के कृषा ने ब्रेस्ट फीड मतलब कर लिया है। अभी नहा धो के मैं तैयार कर रही हूँ कृषा को मॉइस्चराइज़र लगा के। तो अभी हम चलेंगे डायरेक्ट, अभी हम हॉस्पिटल के लिए निकल जाएंगे क्योंकि अभी सारा कुछ काम ख़त्म हो गया है। अभी हम डायरेक्टली जाएंगे वैक्सीनेशन के लिए। कृषा को मैं मॉइस्चराइज़र लगा रही हूँ तो वो थोड़ा क्रैंकी हो रही है अभी। वैसे वो क्रैंकी नहीं होती है क्योंकि हर रोज़ वो थोड़ा मॉर्निंग में ना वो थोड़ा लेट नहाती है, लेकिन आज क्योंकि हॉस्पिटल जाना है तो आज थोड़ा जल्दी मैंने नहा दिया है उसे, और अभी वो मॉइस्चराइज़र लगा रही है। कैसे ड्रेस खा रही है, मतलब अभी ऐसा है कि अभी 6 मंथ कंप्लीट हो गई है, कृषा अभी कुछ भी मिलता है ना वो एकदम मुंह में डाल देती है, एकदम खा लेती है, चाहे ड्रेस हो बेडशीट हो मतलब कुछ भी। तो इस टाइम बच्चों को ना बहुत ज़्यादा मतलब वो अलर्ट रहने की ज़रूरत होती है, ताकि मतलब बहुत सारा चीज़ अगर मुँह में डालती है ना तो बच्चों को लूज़ मोशंस होने का काफ़ी चांसेस रहता है और तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब भी होता है। तो इसीलिए ना बच्चों को थोड़ा मतलब ऐसे निगरानी में रखना पड़ता है। तो अभी मैं कर रही हूँ हेयर कॉम, अभी हम निकल जाएंगे हॉस्पिटल के लिए। देखिए कैसे शांत होके एकदम बैठी है। तो फाइनली हम घर से निकल गए हैं। कृषा बैठी है अपनी नानी के गोदी में और वो घूमना फिरना मतलब काफ़ी एंजॉय करती है, एकदम बाहर टुकुर टुकुर करके एकदम देखती रहती है। तो देखिए एकदम से कैसे नानी के ऊपर एकदम से लेट के आराम से सुकून से बाहर को देख रही है। तो अभी हम जा रहे हैं हॉस्पिटल, तो मैं वहाँ पहुँच के आप लोगों को दिखाती हूँ। तो हम 4 लोग जा रहे हैं, मम्मी मैं कृषा और मेरा भाई, तो 4 लोग जा रहे हैं अभी हॉस्पिटल। कृषा एकदम बैग पकड़ के बैठी है। तो हम पहुंच गए हॉस्पिटल। देखिए कृषा है तो नानी के पास लेकिन मेरा उंगली पकड़ के एकदम जा रही है। तो हम पहुंच गए अभी। अभी कृषा का जो बेसिक चेक्स है ना वो हो जाएंगे, लाइक टेम्परेचर वेट ये सब पहले, ये फॉर्मेलिटीज़ होती है ये पहले चेक करेंगे, उसके बाद डॉक्टर का चेकअप होगा, उसके बाद जाके वो वैक्सीन देंगे। तो अभी प्रोसेस शुरू हो चुका है। देखिए अभी थर्मोमीटर देके कृषा का जो टेम्परेचर है वो चेक कर रहे हैं, इसके बाद कृषा का वेट चेक होगा, फिर जाके डॉक्टर के पास चेकअप होगा। जब भी हॉस्पिटल में बच्चों का वो टेम्परेचर चेक करते हैं ना, एक चीज़ याद रखिएगा, जो थर्मामीटर होता है ना उसे सैनिटाइज़ एक बार ज़रूर कीजिएगा, उसके बाद ही बच्चों को मतलब टच कर रहिएगा। अभी हम जा रहे हैं वेट चेक करने। तो जो वेट मशीन है ना उसके ऊपर कृषा अभी फिट नहीं आ रही है, तो उसे ऐसे बिठा दिए हैं। तो कृषा का जो एग्ज़ैक्ट वेट है ना वो तो नहीं आया, लेकिन एक अप्रोक्स आ गया जो कि करेक्ट नहीं है। तो अभी हम जा रहे हैं डॉक्टर चेकअप के बाद वैक्सीन देने। देखिए कृषा एकदम नानी को एकदम गुस्सा हो रही है कि मेरे को छोड़ दो मैं चली जाऊंगी। तो अभी बहुत खुश है वो एकदम से, उसे पता नहीं कि आगे क्या होने वाला है। और ये हमारे जो मैम थे ना, एक नर्स मैम जो, वो काफ़ी मतलब बहुत अच्छे थे,
बेबी को पहले एकदम बहुत कंफर्टेबल फील करा के उसके बाद उन्होंने वैक्सीन दिया। देखिए हम लोग पकड़ के रखे हैं। देखिए ग्रिशा कितना रो रही है। ये जो वैक्सीनेशन डे है ना, ये बच्चों के लिए जितना पेनफुल होता है ना, हर माँ के लिए उससे कई ज़्यादा पेनफुल होता है। लाइक हर महीने ना कुछ वैक्सीन होता है, और जब बच्चे को देने के लिए आते हैं ना, बच्चे से ज़्यादा डर माँ को लगता है कि मतलब अभी तो बच्चा रोने वाली है, रोने वाला है, जो भी आपका लड़का हो लड़की हो जो भी, हर माँ को वो होता है कि अभी बेबी को तकलीफ़ होगा, अब रोएगी। अभी देखिए हम वापस जा रहे हैं घर। पहले तो कृषा एकदम से ऐसे अपसेट होके बैठी थी, एकदम चुपचाप बैठी थी। अभी वो बाहर का जो नज़ारा है एकदम से खड़े होके एंजॉय कर रही है। उसे हम थोड़ा कंफर्टेबल फील करा रहे हैं, ताकि वो जो मतलब वैक्सीन का वो एक जो होता है ना, वो दिमाग से निकल जाए बच्चे का, एकदम से वो कंफर्टेबल हो जाए। तो फाइनली हम आ गए घर। अभी मैंने कृषा को चेंज करा दिया है। हम लोग भी अच्छे से नहा धो के एकदम से सैनिटाइज वगैरह हो गए हैं, क्योंकि घर में अगर छोटा बेबी है तो हर चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है। और ऊपर से अभी क्लाइमेट चेंज हो रहा है, अभी विंटर का टाइम आ गया है। अभी देखिए तो एक्स्ट्रा केयर तो करना पड़ता है। आप लोग भी ज़रूर कीजिएगा ये सब चीज़, छोटा छोटा चीज़ें लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में। अभी कृषा एक अपना जो पांडा है उसके साथ खेल रही है। हमने कृषा के लिए अभी थोड़े दिन पहले ही ये सॉफ्ट टॉय लिया है, एक पांडा लिया है, क्योंकि कृषा का अभी टीथिंग स्टार्ट हो गया है, तो इसीलिए हमने एक क्यूट सा सॉफ्ट टॉय दिया है। क्योंकि पहले अगर आपने वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा कि कृषा का एक छोटू सा वो प्लास्टिक वाला पांडा था, जो कि कृषा का बहुत ही फेवरेट है। तो इसीलिए हमने कोई पिंक वाला सॉफ्ट टॉय नहीं लिया, हमने वही वाइट एंड ब्लैक में उसके लिए उसका फेवरेट पांडा ही लिया है, और वो काफ़ी इन्जॉय करती है पांडा के साथ। तो वैक्सीनेशन डे में वैक्सीन लेने के बाद हमेशा डिजिटल थर्मोमीटर से बेबी का टाइम टू टाइम टेम्परेचर चेक करते रहिएगा। अगर कुछ भी टेम्परेचर ज़्यादा होता है, अपने डॉक्टर से बात करके मेडिसिन दीजिए। तो कृषा जब तक खेलती रहती है ना, चलिए जल्दी से कृषा के लिए खाना बना लेते हैं। मैंने यहाँ पे लिया है एक हैप बनाना लिया है, और ये एक मैशर कप लिया है। ये मैशर कम बॉल आया था लव लैब का। देखिए इसमें मैश करना बहुत ही सिंपल, मतलब बहुत ही ईजी है। ये सारा प्रोडक्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, अगर आपको कुछ चाहिए होगा तो आप वहाँ से बाय कर सकते हैं। मैंने सिंपल बनाना को ऐसे मैश किया है, और उसमें थोड़ा सा ब्रेस्ट मिल्क ऐड किया है, कंसिस्टेंसी थोड़ा पतला करने के लिए। आप अपने बेबी के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, ब्रेस्ट मिल्क या फिर फार्मूला मिल्क ऐड करके। मैंने इसे इतना कंसिस्टेंसी रखा है, इतना कंसिस्टेंसी अभी कृषा खा लेती है। देखिए आज मैंने ज़्यादा कुछ मिक्स नहीं किया है, सिंपल बनाना मैश करके दिया है, क्योंकि आज वैक्सीन लिया है कृषा ने, तो हो सकता है उसे थोड़ा कंफर्टेबल फील ना हो अभी, खाना खाए ना खाए कुछ पता नहीं, इसीलिए मैंने सिर्फ बनाना ही दिया है। अभी कृषा अपना बीब्स के साथ खेल रही है। ये भी मैंने लव लैब से लिया था। सारे चीज़ का डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगी, अगर आपको चाहिए आप जाके परचेस कर सकते हैं। मैंने कृषा को बीब्स पहना दिया है। अभी कृषा को मैं खाना खिलाऊंगी, पता नहीं आज वो खाना खाएगी कि नहीं। देखिए आज कैसा वो मुंह बना रही है। खाना खा तो लेती है लेकिन मुंह बना रही है थोड़ा, क्योंकि शायद आज उसे थोड़ा कंफर्टेबल फील नहीं हो रहा है, तो इसीलिए वो थोड़ा एकदम शांत ऐसे लेट के खा रही है। नहीं तो वो हमेशा बैठ के ही खाती है, आज ऐसे लेट लेट के खा रही है। लेकिन मैंने आज कृषा को बिल्कुल प्रेशर नहीं किया, जितना मन है खा लो, आराम से खा लो। मैं थोड़ा खेलते खेलते उसे खिला रही हूँ, ताकि वो थोड़ा माइंड डिस्ट्रैक्ट भी हो जाए, वो थोड़ा खा ले एटलीस्ट कुछ। लेकिन बच्चों को मोबाइल दिखा के कभी भी खाना मत खिलाइएगा। तो देखिए कृषा ने अपना ये वाला माइलस्टोन कंप्लीट कर लिया है, वो अपना पूरा बॉडी ऐसे लिफ्ट कर लेती है ऊपर। अभी खाना खाने के बाद मैं और कृषा थोड़ा खेलू खेलू कर रहे हैं, ताकि वो थक जाए और उसके बाद वो सो जाएगी। अभी ऐसे ब्लैंकेट ओढ़ के हम खेलू खेलू करते हैं,
ताकि थोड़े टाइम बाद कृषा सो जाती है। अभी देखिए ब्लैंकेट ओढ़ के वो कितना खुश है। जब भी मैं उसे ब्लैंकेट ऐसे ओढ़ के मतलब खेलने देती हूँ ना, वो एकदम खुश हो जाती है, दुल्हन की तरह बैठने लगती है एकदम ब्लैंकेट ओढ़ के, बहुत क्यूट लगती है। देखिए बैठ के कैसे खेलू खेलू कर रही है कृषा। अभी ना अभी कृषा ने एक माइलस्टोन भी कंप्लीट किया है, जैसे वीडियो में आपने पहले देखा है थोड़े टाइम पहले, वो एकदम से ना अपने नी में आके एकदम पूरा अपना जो बॉडी है उसे लिफ्ट कर लेती है ऊपर। क्रॉल करने का ये फर्स्ट स्टेज होता है, वही कृषा ने कंप्लीट कर दिया है। होपफुली आगे जाके वो जल्दी क्रॉल करेगी, वो भी वीडियो में आप लोगों को शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। अभी कृषा एकदम एक्टिव हो गई, मतलब एकदम कंफर्टेबल हो गई है, एकदम आराम से खेलू खेलू कर रही है। मतलब अभी वो वैक्सीन का जो एक होता है ना, वो अभी नहीं है, वो अभी चला गया है, अभी वो नॉर्मल है। बच्चों को ना वैक्सीनेशन डे में आपको कंफर्टेबल फील कराना होता है, एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत होती है और एक्स्ट्रा पैम्परिंग का ज़रूरत होती है, तभी बच्चे एकदम से नॉर्मल हो जाते हैं। ये सब छोटा छोटा जो चीज़ है ना, बहुत इम्पोर्टेंट होता है, आप लोगों को इतना ध्यान रखना पड़ेगा। तो अभी फाइनली कृषा सो गई है, मैंने उसे सुला दिया है, एकदम खेलू खेलू करके थक के सो गई है। तो यही था आज का जो जो हमने किया। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, आपने इन्जॉय किया होगा वीडियो। और आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।